देखिए आज के ट्यूटोरियल में हम सुंदर सा लेडीज़ कार्डिगन का डिज़ाइन बनाएंगे। इस कार्डिगन को बनाने के लिए फ्रंट के पार्ट में हमने 95 स्टिचेस डाले हैं, बैक पार्ट में हमने 140 स्टिचेस डाले हैं। तो ये कार्डिगन जो है हमारा फ्री साइज़ का है, किसी को भी इजीली आ सकता है। पैटर्न हमारा यहाँ पे जो है 17 फंदों में डलेगा, बाकी जो है हमारे दो जो है एक्स्ट्रा स्टिचेस जाएंगे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। साथ में बटन पट्टी जो है हमारी 10 फंदों की है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा डिज़ाइन का सैंपल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 21 स्टिचेस डाले हैं, जिसमें 11 एज स्टिच है, साथ में दो फंदे हमारे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए, और 17 फंदों का हमारा डिज़ाइन जाएगा। रो फर्स्ट है डिज़ाइन की, एज स्टिच हम सीधा बनाएंगे। डिज़ाइन पैटर्न हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें दो फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, यहाँ पे धागा आगे रहने देंगे, जाली डाल देंगे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, फिर दो फंदे सीधे। अब हम यहाँ पे तीन फंदों का एक कर लेंगे, देखिएगा पहला और तीसरा फंदा ले लेंगे इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से इन दो का एक किया, तीनों को ड्रॉप किया, सेंटर वाले को उठाया इस तरीके से, ये वाला ऐसे लेके इसे इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से। तो हमने तीन फंदों का एक किया, अब यहाँ पे दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, इसके बाद हमारे दो फंदे सीधे जाएंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से धागा आगे करके देखिएगा जाली डाल देंगे। ये दो फंदे डिज़ाइन को बैलेंस करने के हैं, इन्हें हमने उल्टा बनाना है और एज स्टिच सीधे बना के इस रो को कंप्लीट कर देंगे। रो सेकंड रॉन्ग साइड है, एज स्टिच आप इस तरीके से उतारेंगे, दो फंदे अपने सीधे बना लेंगे इस तरीके से, इसके बाद जो जाली वाला फंदा है इसे आपने सीधा बना देना है, फिर दो फंदे आपके उल्टे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर दो फंदे आपके उल्टे, एक दो, ये जो हमने तीन का एक किया था इसे भी उल्टा बना देंगे, साथ में दो और फंदे आपके उल्टे जाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर यहाँ पे दो फंदे उल्टे, जाली वाला फंदा सीधा बना देंगे, और ये दो फंदे डिज़ाइन के सीधे एज स्टिच उल्टा बना के रो सेकंड को कंप्लीट कर देंगे। रो थर्ड राइट साइड में जाएंगे, एज स्टिच उतारने के बाद धागा अपनी ओर करके दो फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, यहाँ पे आप जाली डाल देंगे इस तरीके से, और एक फंदा उल्टा बना देंगे, जो आपने जाली इंक्रीज़ की थी वो इस साइड आपने लाई है जिससे आपने उल्टा बनाया है, फिर दो फंदे सीधे, फिर यहाँ पे दो फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर इस तरीके से इन तीन का एक करेंगे पहला फंदा, और ये तीसरा फंदा लेंगे, इन दो का एक करेंगे, तीनों को ड्रॉप करके सेंटर वाला स्टिच उठाएंगे, पहले वाला लेके इस तरीके से, और इसे इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद इसे इस सिलाई पे ले लेंगे हम, फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, यहाँ पे एक फंदा उल्टा, यहाँ पे धागा आगे रहने देंगे, जाली डाल देंगे इस तरीके से, दो फंदे उल्टे, एज वाला सीधा बना के रो थर्ड राइट साइड को कंप्लीट कर देंगे। रो फोर्थ रॉन्ग साइड, एज स्टिच उतार देंगे, फिर एक दो, ये जाली वाला भी सीधा बना देंगे, तीन और चार फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी ओर करके एक दो, तीन फंदे उल्टे, इसके बाद धागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की ओर करके ये एक फंदा और जाली वाला दो,
और ये दो चार फंदे हमारे सीधे एज वाला उल्टा बना के रो अपनी फोर्थ को कंप्लीट करें, रो फिफ्थ राइट साइड एज स्टिच को उतार देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से दो फंदे उल्टे, यहाँ पे धागा आगे ही रहने देंगे, इस तरीके से जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके दो सीधे, दो उल्टे, फिर यहाँ पे इस तरीके से इन तीन फंदों का एक करेंगे पहला और तीसरा लेके, और इस तरीके से तीन फंदों का एक कर दिया हमने, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर यहाँ पे एक दो फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहने देंगे, इस तरीके से जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे और एज स्टिच सीधा बना देंगे। तो इस तरीके से देखिएगा रो फिफ्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रो सिक्स में जाएंगे, एज स्टिच उतार देंगे, इसके बाद धागा पीछे की ओर करके दो फंदे हमारे सीधे, आप धागा अपनी ओर करेंगे, ये जाली वाला फंदा आप हम उल्टा बनाएंगे, फिर ये दो फंदे सीधे, ये दो उल्टे, धागा पीछे की ओर करके दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, फिर दो उल्टे, एक दो, फिर दो सीधे, धागा अपनी ओर करके जाली वाला फंदा आप हम उल्टा बना देंगे, दो सीधे और एज वाला उल्टा बना के अपनी रो सिक्स को कंप्लीट कर देंगे। ये रो सिक्स हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, रो सेवन्थ में आ चुके हैं, एज स्टिच उतार देंगे, धागा अपनी ओर, दो स्टिचेस हमने इस तरीके से उल्टे बनाए, धागा आगे रहने दिया, जाली डाल दी, एक सीधा, फिर दो उल्टे, फिर दो सीधे, एक दो, फिर एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये सीधा और ये वाला एक, हम इन दो का एक कर देंगे, ये और ये दो का एक, तीनों को उतारेंगे सेंटर वाला लेके, इस पे इस तरीके से तीन का हमने एक कर दिया, फिर एक फंदा उल्टा, दो सीधे, फिर यहाँ पे एक दो हमारे उल्टे, एक सीधा, जाली डाल देंगे इस तरीके से, दो उल्टे और लास्ट में एज स्टिच सीधा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट कर देंगे। तो रो एट्थ में जाएंगे, रॉन्ग साइड एज स्टिच उतारेंगे, एक दो स्टिचेस हमारे यहाँ पे इस तरीके से सीधे जाएंगे, फिर दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, एक सीधा जाएगा आपका यहाँ पे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर दो उल्टे, फिर यहाँ पे एक दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे और एक उल्टा। तो रो एट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिएगा रो हमारी 1 to 8 कंप्लीट हो चुकी है, यही रो हमें बार बार दोहराते हुए जाना है। तो सामने स्क्रीन पे देखिएगा इस तरीके का हमारा पैटर्न जो है बनके तैयार होगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।